हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो एक्सेल की है। यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक क्राइटेरिया दी गई है। अब क्राइटेरिया क्या है मैं आपको समझाता हूँ। जैसे अगर यहाँ ये जो है बिजनेस अमाउंट, ये अगर 5 लाख तक है, ध्यान दीजिएगा 5 लाख तक है, तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो कि ये 5 लाख का बिजनेस करेगा उसे 5% का बोनस मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ 5% का बोनस अपने आप आ जाए, ऐसा फॉर्मूला हमें यूज करना है। दूसरा कंडीशन ये है कि अगर ये 10 लाख या 10 लाख से ऊपर है तो ऐसे में क्या हो जाए, 10% का बोनस मिले। और तीसरी कंडीशन ये है कि अगर ये 3 लाख या 3 लाख से ऊपर है लेकिन 5 लाख से कम है तो ऐसे में क्या मिले, सिर्फ और सिर्फ 2.5% का बोनस मिले, और उससे कम वाली क्राइटेरिया में 0% का बोनस मिले। ऐसा हमें करना है। ठीक है, मैं आपको चलिए एक बार दिखाता हूं ये आपको कैसे करना है। ठीक है, तो देखिए कोई भी इस तरह की कंडीशन हो, बस थोड़ा सा ध्यान से इसको समझ लीजिए, फिर उसके हिसाब से अप्लाई करिए। देखिए मैं अप्लाई करता हूं, अगर ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, देखिए मैं कैसे अप्लाई कर रहा हूं, वैसे ही आपको भी अप्लाई करना है। किसके, तो मैं यहां पे दे देता हूं बड़ी हो या बराबर हो, किसके बराबर हो, तो यहां पे दे देता हूं। ऐसे में क्या हो, यहां पे देखिए, यहां पे 10 लैक्स करते हैं, 10 लैक्स, और 10 लैक्स के बराबर हो या बड़ी हो उससे, तो ऐसे में यहां पर आ जाए 10%। ठीक है, क्या आ जाए, 10%। अब इसको बंद करेंगे, डॉटेड कॉमा को, फिर इफ लगाएंगे, फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, और ऐसे में ये वैल्यू बड़ी हो, फिर कहेंगे बड़ी हो या बराबर हो, अब किसके, तो 5 लाख के, तो यहाँ देखिए 5 लाख कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये 5 लाख कर दिया हमने, और ऐसे में क्या हुआ, यहाँ पर आए अमाउंट, बोनस का अमाउंट जो है क्या आना चाहिए, तो यहाँ पे आना चाहिए 5%, तो ये 5% कर दिया, फिर यहाँ इफ लगाएंगे, और ऐसे में फिर इसी को सेलेक्ट करेंगे, ये वैल्यू बड़ी हो या बराबर हो, ठीक है, किसके, तो 3 लाख के, इस बार 3 लाख करते हैं, तो यहाँ पे 3 लाख कर दिया, देखिए 3 लाख हो गया। ऐसे में कौन सा बोनस मिलेगा इनको, तो ये मिलेगा 2.5% का बोनस। ठीक है, यहाँ पे 2.5% कर दिया। ठीक है, और फिर यहाँ पे लास्ट वाला इफ लगाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा लास्ट वाला इफ लगा रहा हूँ। ठीक है, और यहाँ पे कहेंगे ये वैल्यू बड़ी हो या छोटी हो, छोटी हो या बराबर हो, किसके, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा छोटी हो या बराबर हो, किसके, 2,99,000 के। ठीक है, तो ऐसे में क्या हो, यहां पर क्या कहेंगे, यहां पर जो है 0% का बोनस मिलेगा, 0% का। ठीक है, तो ये कर दिया 0%, और यहां पर ये 0% लिख के एंटर करेंगे, तो यहां पर देखिए यहां पे 5% आ गया, 5 लाख पे 5% था, तो यहां पे आ गया। ठीक है, अब अगर इसको नीचे ड्रैग करवा देता हूं तो आप देखेंगे कि जो भी 1 लाख से कम है, ठीक है, उस पर 0% का बोनस मिला हुआ है, और 1 लाख पे भी 0% है, क्योंकि यहाँ पे कंडीशन ही ऐसी दी गई है, 10 लाख पे 10% और 5 लाख पे 5%, 5 लाख तक पर, और 3 लाख तक 2.5%, उसके नीचे सब 0% है, तो यहाँ पर 0% अपने आप आता चला जा रहा है। लेकिन यहाँ पर जरा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अमाउंट चेंज होते ही, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 12 लाख रुपए मैं कर देता हूँ, ठीक है, तो ये हो गया 12 लाख रुपए। ठीक है, और जैसे ही एंटर करेंगे तो यहाँ पर 10% अपने आप आएगा। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए 1,01,000 है, लेकिन यहाँ पर अगर मैं 3 लाख कर देता हूँ, तो ये 3 लाख कर दिया, तो 3 लाख पे 2.5% अपने आप आ रहा है। देखिए यहाँ पे सारी चीजें अपने आप चेंज होती चलेंगी। ठीक है, तो इस तरीके की कोई कंडीशन आए तो थोड़ा सा बस दिमाग लगाने की जरूरत है, एक्सेल में वो सारे काम आप कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि आपको बात समझ में आई होगी कि ये कैसे करना है। ठीक है, कोई समस्या होती है तो बताइएगा, इस तरह का कॉम्प्लेक्स अगर कंडीशन आ जाता है तो। ठीक है।